हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा पीयू पॉलिश हाई ग्लॉस कैसे किया जाता है। इम्पोरियो पॉलिश है ये, पीयू एक्सटीरियल। मैंने दो दरवाजा पॉलिश किया हूँ, वो भी हिंदी में जानकारी बताऊंगा, पूरी फुल प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी जरूर है, लेकिन पूरी नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों, कैसे घर में पॉलिश कराना चाहिए। 12 साल पुराना गेट है, अब यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने मालिक से पूछा था रियल में। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मिंटू, आप चैनल देख रहे पेंटिंग दुनिया। दोस्तों आज रहेगा वीडियो पॉलिश के ऊपर। ये जैसे डोर देख रहे हो, ये सागवान का डोर है, ये बिहार में पड़ता है, बलिया जिला और रेवती गांव पड़ता है। ये 2-3 दरवाजे पहले देख लें, इसको खोल के करेंगे, नीचे रख के इस पर ग्राइंडर लगाएंगे सबसे पहले, तो ख़राब ज़्यादा है, मिस्त्री भाई ने काफ़ी नुक्स छोड़ चुका है। ये दरवाज़ा तो काफ़ी पुराना है, और ये शीशम का लकड़ी, इस पर भी रेसा बहुत है, ये मिट चुका है रेसा अभी फिलहाल। प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा कैसे पॉलिश किया जाता है, वो भी इम्पोरियो वाटरप्रूफ प्योर। और दरवाज़ा देख लें ऊपर से भी और नीचे से भी, ऐसा है देखने में। अभी ये चेक खोल के करेंगे सभी को, पहले ग्राइंडर लगाएंगे सभी को, बताते रहूँगा एक प्रोसेस क्या क्या मटेरियल लगेगा। दरवाज़ा भी देख लो और खिड़की भी है। तो फ्रेंड जैसे कि ये सागवान है, इस पर आप ग्राइंडर लगाऊँगा, खोल के करेंगे दरवाज़ा। ये तो काफ़ी पुराना हो चुका है, 9 साल अभी हो चुका है इसको फिट हुआ हुआ, इस पर भी पॉलिश करूँगा। तो फ्रेंड जैसे कि दरवाज़ा पहले देख चुके थे, खोल के यहाँ पर ले आया हूँ, और देखने में कोई भी रेसा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, कैमरा में से पिलकूंगा, यहाँ पास में थोड़ा सा दिखा दें। बहुत ख़राब हो चुका है बारिश में ये दरवाज़ा, और 12 साल हो गया है बना हुआ, वैसा ही पड़ा है, क्योंकि मालिक को पॉलिश ही कराना था, मन में तमन्या था, तो आज पॉलिश करेंगे इम्पोरियो। तो लो इसको ले कर चलते हैं, पहले तो ग्राइंडर मारेंगे इस पर, ये क्योंकि बिहार में बनाया हुआ डोर है, ये बलिया जिला और रेवती गांव पड़ता है, वहां पर ये पॉलिश हो रहा है अभी, इम्पोरियो पीयू एक्सटीरियल। तो चलो इसको लेके चलते हैं, पहले वहां पर आप ग्राइंडर मारेंगे। तो फ्रेंड दरवाज़ा को रख लेंगे नीचे कहीं सेफ जगह, वहीं पर ग्राइंडर लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी हालात बिगड़ चुका है इसका, बहुत ही पुराना है, 12 साल हो गया बना हुआ, तो इस पर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, पूरा दबा के सभी चीज़ को प्रोसेस से अच्छे तरीके से चलेंगे। ध्यान रखना दोस्तों कैसे किया जाता है पॉलिश, तो कहीं भी घर पर कराना पड़ सकता है आपको। तो फ्रेंड ये 100 नंबर है और 4 इंची ग्राइंडर है मेरे पास, क्यों ग्राइंडर इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी हालत बिगड़ चुका है इसका। तो ये पतला है, पहले इसके ऊपर पहले ग्राइंडर लगा के उसके बाद हाथ से रगड़ाई होगा, पहले ग्राइंडर से रगड़ाई करेंगे इसको अपनी। नाक में बांध लेता हूँ, गर्दा ना उड़े, नहीं तो डस्ट बहुत ख़राब करता है, अपनी भी सेफ्टी ज़रूरी है, ऐसे करके बांध लेंगे इसको। तो फ्रेंड अच्छे तरीके से दबा के रेगमा लगाएंगे, कहीं भी छोड़ना मत, और एक तरफ से, और इसमें ध्यान रखना दोस्तों ज़्यादा मत लगा देना, नहीं तो गड्ढा बना देगा ये पूरा। बिल्कुल थोड़ा सा चलाना आना चाहिए ग्राइंडर को, जो नया आदमी है बिल्कुल वो हल्के हल्के से ऊपर ज़्यादा मत दबाएं, नहीं तो ज़्यादा गड्ढा बना देगा ये। ये 80 नंबर और 100 नंबर प्रयोग कर सकते हो पूरी अच्छे तरीके से, ज़्यादा मैटर करूँगा 100 नंबर यूज़ करो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो पूरा अच्छे तरीके से दबा कर रगड़ देना दोस्तों इसको सभी पर, क्योंकि इसमें रेसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अब धीरे धीरे ग्राइंडर के बाद निकलेगा। तो चलो वीडियो को तेज कर दूंगा थोड़ा सा, जल्दी रेगमा लग जाएगा सभी पर। तो फ्रेंड मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया था, क्योंकि मेरा प्रोसेस वीडियो एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ सभी भाइयों को। तो हमारा तकरीबन हो चुका है फाइनल, उसके बाद गेट को सफाई करेंगे, ये थोड़ा सा रह गया होगा। तो फ्रेंड अब सफाई हो रहा है इसका, और जो बीच में वो पटे वाला हाथ से होगा, मैं बताता हूँ पटे वाला कौन सा लगाना है रेगमा। ये 80 नंबर है फ्रेंड, 80 नंबर आप स्टार्टर होगा हाथ से रेगमाल पूरा दबा के, उसके बाद 150 नंबर, पहले 80 नंबर पूरे अच्छे तरीके से लगाएंगे, कोने कोने तक कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, उसके बाद 150 नंबर, और उसके बाद वुड फिलर बाद में, पहले प्रोसेस 80 नंबर लगाते हैं अब सफाई करके। और देख रहे रेसा निकल गया अब इसका, ये आपको मिल जाएगा दुकान में, हार्डवेयर की दुकान से। तो फ्रेंड ये 80 नंबर पट्टे वाला रेगमाल है, ध्यान से देखो 80 नंबर पट्टे वाला रेगमाल है, ये कोई सा भी कंपनी का ले सकते हो, और पूरे अच्छे तरीके से दबा के लगाना, जहाँ पर लकड़ी का जैसे कि डोर जहाँ भी दरवाजे खिड़कियाँ, जिस तरफ भी लकड़ी का जोड़ नहीं होता, जिस तरफ जाता है उस तरफ ही रेगमाल लगाना है,
जिस तरफ मतलब रेसा जाता है उस तरफ ही पूरा दबा के अच्छी तरीके से रेगमा लगाना है, कहीं भी छोड़ना मत दोस्तों। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से रेगमाल मारना है, कहीं भी छोड़ना मत, और जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करो दरवाजा में, और इतनी अच्छी शाइनिंग आएगी उतना ही बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये पटे वाला का पूरा रोल मंगा के रखा हूँ, कहीं कम ना पड़ जाए। दरवाजे तो कई हैं लेकिन प्रोसेस 2-3 दरवाजे पर बता दूँगा पूरा अच्छे तरीके से, पॉलिश का प्रोसेस सही तरीके से बताऊँगा, एंड तक बने रहना दोस्तों। तो अभी कितना बुरा हालत था इसका, कोई भी रेसा नहीं दिख रहा था, आप देखना दोस्तों रेसा कितना दिख रहा है। तो पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे पटे वाला रेगमा लगा के, उसके बाद 150 नंबर रख देंगे पूरे दबा के, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा फाइनल। और तो फ्रेंड 2-3 दरवाजे हैं पॉलिश करने वाले, दरवाजे तो कई हैं लेकिन अलग सा डिजाइन एक और भी है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। सागवान का दरवाजे, ये शीशम का है जो अभी रगड़ाई चल रहा है, ये शीशम का है, और जो दूसरा पल्ला है वो सागवान है, उसके ऊपर भी प्रोसेस अभी बताऊंगा। 2 गेट का प्रोसेस पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा भाई, एंड तक बने रहना वीडियो में, जुड़े रहना, पूरे एक एक चीज़ मैं समझा दूंगा। दूसरे पल्ले पर चलो रेगमा लगाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि ये डोर है हालत काफ़ी बिगड़ चुका है, और इस पर ध्यान से देखना दोस्तों, मिस्त्री भाई ने जो ग्राइंडर लगाया बहुत से क्रैक पड़ गया है, इसमें गोल गोल का निशान हो गया, और इसको मिटाने के लिए 100 नंबर का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। ये 100 नंबर का है, ये ग्राइंडर 4 इंची के लगेगा ये वाला, इसका चिपकाने वाला ले आना साथ में, तब चिपकेगा। बहुत लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ से जितना मर्जी रगड़ दो सफाई नहीं आएगा, क्योंकि डोर काफ़ी हालत बिगड़ चुका है इसका, और ग्राइंडर लगाऊंगा, रेसा निकालूंगा दबा के दोस्तों, ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों रेसा कितना अच्छा निकल रहा है, देखिए सभी पर लगाएंगे अच्छे तरीके से दबा के, कहीं छूटे ना। ये सागवान का लकड़ है दोस्तों, ये सागवान है, और इसकी क्वालिटी देखना दोस्तों, रेसा कितना ज़बरदस्त है। ये बिहार का मिस्त्री है, थोड़ा सा सभी मिस्त्री भाई को नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई कोई मिस्त्री भाई है कोई कमी छोड़ देते हैं, जिसको पता है मिस्त्री भाई डोर कैसे बनाते हैं सभी पता होता है इसको। ये फ्रेंड लकड़ी वाले का काम था, मैं ही लगा रहा हूँ क्योंकि उसने लगाया नहीं सही से, इसलिए मैं लगा रहा हूँ इसको सही से। तो फ्रेंड ये पट्टे वाला लगा के उसके बाद 80 नंबर लगाना है, रेसा बिल्कुल सीधा करना है इसका नस। और देखिए दोस्तों इधर मैं लगाया हूँ, बहुत अच्छा रेसा निकल के आया है, और ये अभी लगाना है, देखिए इसमें कितना फ़र्क है, मिस्त्री भाई ने कुछ नहीं सही से किया है, ध्यान से देखना दोस्तों, कैमरा में उसको क्लिक करूँ थोड़ा सा दिखा दें। ये देखिए स्क्रैच ऐसे ऐसे बना हुआ है, वो पट्टे वाला मोटा मार दिया है, क्योंकि 100 नंबर उसको यूज़ करना था, उसने 80 नंबर मार कर चला गया। तो उसके बाद सबसे पहले ये लगा लूँगा कि इसके बाद 80 नंबर पट्टे वाला रेगमाल पूरा दबा के लगाएंगे, स्टार्टिंग में 80 नंबर स्टार्ट करेंगे। अगर ज़्यादा ख़राब है ये ग्राइंडर से ज़रूर लगाना, क्योंकि अच्छा हो जाए पल्ला डोर, क्योंकि महंगा पॉलिश करेंगे इम्पोरियो। तो फ्रेंड सभी पर अच्छी तरीके से ग्राइंडर लगाना है, अगर मिस्त्री भाई कहीं भी नुक्स छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे, कोई पूरा अच्छे तरीके से पीयू पॉलिश करूँगा, क्योंकि पीयू पॉलिश में बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो फ्रेंड हो चुका है ग्राइंडर मार दिया मैंने, और सफाई कर रहा हूँ, देखना दोस्तों पहले से कितना फर्क हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड रेसा भी अच्छे तरीके से दिख रहा है, जो इसका जोड़ है, इसका जो जोड़ होता है वो भी प्लेन हो गया पूरा अच्छे तरीके से। और उसके बाद आप पट्टे वाला रेगमाल स्टार्टिंग होगा इस पर 80 नंबर, क्योंकि ख़राब था पल्ला इसलिए मेरे को ग्राइंडर लगाना पड़ा, क्योंकि मिस्त्री भाई लकड़ी वाले ने काफ़ी छोड़ रखा। जितने भी मेरे मिस्त्री भाई हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है 100 नंबर से रेगमा लगाएं, 80 नंबर मत लगाना भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है पेंटर भाई को, जितने भी है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
ये देखिए दोस्तों फ्रेंड, और साफ करके इसको पट्टे वाला रेगमा लगाते हैं दबा के। तो फ्रेंड ये पट्टे वाला 80 नंबर है, 80 नंबर। और इसका लगाने का भी तरीका बताता हूँ कैसे लगाना है। जैसे कि यहाँ से जोड़ इधर जाता है, इस तरफ लगाएंगे, इस तरफ, यहाँ से जोड़ इस तरफ है तो ऐसे लगाएंगे। चलो लगा के बताते हैं आपको, ये सब पूरा दबा के लगाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जोड़ पर मत लगाना इधर। एक एक चीज प्रोसेस बताऊंगा कैसे लगाया जाता है, कैसे मटेरियल यूज करें, सब चीज बताऊंगा। सागवान है, ये बिहार का सागवान लकड़ है। तब तक दबा के लगाना है तब तक इसका जो नस है ये सीधा ना हो जाए, ये नस दिख रहा है, बिल्कुल सीधा करना है। और इसका जो कोर होता है थोड़ा सा हल्के से गुलाई करना है, हाथ में ना चुभे। तो फ्रेंड अच्छे तरीके से सभी पर चेक करते रेगमल लगाते चला जाना है, सभी एक एक चीज को चेक करना है, कहीं भी छोड़ना मत दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से रेगमल लगाना है। और फ्रेंड एक बात और, जहाँ भी कम बेसी दिखे उस पर अच्छी तरीके से दबा के पूरा रेगमा लगाना है पट्टे वाला सबसे स्टार्टिंग में। तो यही मेन चीज़ है, जितना हो सके उतना दबा के लगाओ, इसका नस बिल्कुल सीधा करो, कोर जो कोर होता है लकड़ी का उसको गुलाई करना है थोड़ा सा। तो फ्रेंड पॉलिश तो सभी पेंटर भाई करते हैं, लेकिन हमेशा करने का अलग अलग तरीका होता है, अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस होता है। मैं तो दोस्तों बहुत ही जेन्युइन तरीके से बताता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। फ्रेंड हो चुका है पट्टे वाला लग चुका है, अभी गर्दा हो गिरा हुआ है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। इसको पलट के साफ करेंगे, ये बैक साइड का पल्ला है, बैक साइड सिर्फ सिंपल है, आगे से डिजाइन डाला हुआ है। और ये जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ये कच्ची लकड़ है, यहाँ पर भी कच्ची लकड़, इसको नेचुरली रखना है, ऐसे देखने में इनपुट अच्छा लगे। एक एक रेशा दिखने लग गया फ्रेंड। तो फ्रेंड हो चुका है सभी को सफाई, और रेशा देखने में बहुत ही अच्छा लुक, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। इसके बाद 150 नंबर से रगड़ा ही होगा, उसके बाद वुड फिलर भरेंगे अच्छे तरीके से। ये 150 नंबर है फ्रेंड, वाटर प्रूफ है रेगमा, इसके ऊपर लगाएंगे आप, फट्टे वाला का काम ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड अच्छे तरीके से दबा के 150 नंबर भी लगाना है, कहीं भी कम बेसी मत छोड़ना, अच्छे तरीके से सभी पर 150 नंबर लगा के उसके बाद वुड फिलर भरेंगे। एशियन पेंट वुड फिलर नेवला कोई सा भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन मैं बेटर करूँगा एशियन पेंट का। एशियन पेंट का ज़्यादा पकड़ होता है और मजबूती भी सबसे ज़्यादा होता है, हार्ड भी बहुत होता है लेकिन सूखता भी बहुत जल्दी है, ज़्यादा समय नहीं लेती है पटील, बहुत ही अच्छा है। 400, 250, 300 के बीच बीच में अलग अलग हमेशा प्राइस और एरिया के हिसाब से मिलेगा ये। तो बहुत ही अच्छे तरीके सभी पर रेगमा लगा ले, कहीं भी छोड़ना मत, एक बराबर एक जैसा रेगमा लगाना है, जैसे जैसे रेशा जिस तरफ रेशा जाता है, जिस तरफ की लकड़ी का जोड़ है उस तरफ ही लगाना है। इसको लगाने के बाद सबसे पहले और वुड फिलर का जोड़ पड़ेगा। तो फ्रेंड रेगमा सभी लग चुका है अभी फिलहाल, तो उसके बाद वुड फिलर का जोड़ पड़ेगा। कोशिश करें जो फेविकॉल से पटीन जो बनाते हैं वो रेडीमेड वो मत लगाना दोस्तों, को बहुत जल्दी निकल जाता है वो। सबसे ज़्यादा पकड़ वुड फिलर का होता है, कंपनी कोई सा भी ले सकते हो, नेरोलैक बर्जल का भी आता है, ये एशियन पेंट का वुड फिलर है। फिलर ये कलर के हिसाब से मिलता है, टिक कलर नेचुरल कलर करना है, अगर ब्राउन कलर करना चाहते हो वॉर्नेट का जरूरत पड़ेगा, ये वॉर्नेट कलर है,
तो ये फ्रेंड वॉलनट कलर 1 kg का है, 451 रुपये MRP रेट लिखा हुआ है इसका, और 2 इंची का पत्ती का जरूरत पड़ेगा। और लगाना कहाँ कहाँ है मैं बताऊँगा वहीं पर, ज़्यादा मत लगाना नहीं तो ख़राब कर देगा कलर आपका। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहीं पर ही लगाना, ये 2-3 बार ही लगाना, कैसे कम से कम पॉक्सी से पहले पहले लगाना, जैसे कि ये थ्रेड दिख रहा है आपको। और इसमें अगर लाइनें भी है और सभी को खींचना है इसको, जैसे यहाँ पर ख़राब है, यहाँ पर ख़राब है, यहाँ पर भी ख़राब है, यहाँ पर भी, इसको पट्टे के पूरा खींचेंगे क्योंकि ख़राब सभी जगह है। क्योंकि लगा के बताता हूँ कैसे लगाना है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेना अगर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो, ज़्यादा मत पतला करना क्योंकि कंपनी की तरफ से पतला ही आता है ये। जहाँ जहाँ गड्ढे पर तो वहाँ भरेंगे। ये ब्राउन कलर का है, ये टीक कलर भी ले सकते हो अगर नेचुरल करना चाहते हो। ये गड्ढे बहुत हैं और इसको पूरा खींच लेंगे, कोशिश करें पूरा पतला लगाएं इसको, ज़्यादा मोटा गड्ढा है 2 बारी करके लगा दें इसको, भर जाएगा, छोड़ना मत। कोने कोने पर भी लगाएं, जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पर जरूर लगाना इसको, छोड़ना नहीं, नहीं। ऐसे कर खींचना है, ये सूख साथ में ही जाता है दोस्तों, कम से कम 1 घंटा के लिए अंदर अंदर, जब अगर मोटा गड्ढा हो 1 घंटे के अंदर सूख जाएगा, ऐसे तो साथ साथ ही सूख रहा है। और सूखने के बाद फिर से रेगमा लगाएंगे इसके ऊपर। सबसे हार्ड वुड फिलर होता है, सबसे हार्ड, कोशिश करें यही लगाएं सभी पर, कोई सा भी लक्कड़ डोर खिड़की हो, ये सबसे ज़्यादा पकड़ होता है इसका। तो फ्रेंड इस पर जैसे कि वुड फिलर लग चुका है अभी सभी दरवाजे पर, उधर भी दरवाजे हैं और इधर भी दरवाजे तो कई हैं। इधर सागवान है, 3-4 सागवान के पल्ले हैं और ये शीशम का पल्ले हैं। बहुत पुराना था ये दरवाज़ा, तो कम से कम 12-13 साल का पुराना था। और रेगमा लगाना है कौन सा वुड फिलर के बाद बता देता हूँ। मशीन से लगाना है तो 150 नंबर लगाना है, क्योंकि मशीन बहुत इसका रफ्तार होता है। और हाथ से लगाना था 320 नंबर लगाना है, ये 320 और 150 मशीन से। और हाथ से रगड़ रगड़े हो तो 320 ही लगाना सभी पर, पूरा दबा कर रगड़ना, चलो रगड़ो। तो फ्रेंड अच्छी तरीके से मशीन से भी लगाना है और हाथ से है, और हाथ से भी अच्छी तरीके से लगाना है, पूरा दबा के अच्छे तरीके से। जैसे कि ये रेगमाल है और जोड़ है, यहाँ पर बिल्कुल सीधा लगाना है। और ये जैसे मैं आपको लगा के बता रहा हूँ इधर तरफ, और इधर से इधर लगाएंगे जिस तरफ नस इसका रेशा जाता है, और इधर से उधर, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे कि 320 नंबर पूरा जितना हो सके उतना दबा के रेगमा लगाओ, उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 320 नंबर ज़्यादा लगाना है, क्योंकि यही मेन चीज़ होता है ऊपर पटीन के ऊपर सबसे ज़्यादा। बाद में पॉक्सी पहले कलर देंगे और बाद में पॉक्सी लगाएंगे, उसके बाद भी पटीन लगेगा। इसके बाद रेगमाल लगाने के बाद सभी पर क्लीन अच्छे तरीके से रेशा निकलने लग गया, पहले रेशा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सबसे पहले। और अब रेगमाल लगा लगा के पेंटर भाइयों ने बहुत मेहनत किया इसमें, सबसे ज़्यादा मेहनत आया है गेट में। तो इसके बाद कलर देंगे, इसके बाद इधर फाइनल हो गया है, पूरा पट्टी निकाल दिया, जहाँ जहाँ गड्ढे वहाँ पर रह गया था बस इसमें ही छोड़ना है, बाकी तो सभी को उतार देना है। अब ये सब दरवाजा जैसे कंप्लीट हो चुका है सर, ये भी पूरा अच्छे से सफाई सफाई कर लिया। और इस पर प्रेशर से गर्दा निकाल देंगे, उसके बाद कलर देंगे वॉर्नेट वुड स्टेनर, हल्का सा लाग देना यूज़ करना है इसमें, ना के बराबरी लाग देना यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। ये सागवान है और ये शीशम, जो मैं पहले बताया था डोर बहुत काला हो चुका था, यही पल्ले सब है। तो फ्रेंड प्रेशर न तो सफाई वाला ब्रश से साफ कर सकते हो गेट। तो फ्रेंड तब तक हम लागदाना घुलने के लिए छोड़ देते हैं, घुल जाएगा। ये स्पिल्ट है, स्पिल्ट तो कई कंपनियां बनाती है, अपना अपना स्पिल्ट कंपनी का ले सकते हो, अच्छा रहेगा। ये मेरे पास ना करूँगा क्योंकि कलर अपॉक्सी इंसुलेटर से स्टार्टिंग करूँगा मैं, स्पिल्ट ना के बराबर यूज़ करूँगा। तो लागदाना ये मैं ले रहा हूँ, इसको ये ऐसा कैनी रख लेना, धूप में रख देना घुलने के लिए, लाग देना। तो फ्रेंड ये लागदाना घुलने के लिए स्पिल्ट के साथ में रख देता हूँ। 1 लीटर में 250 ग्राम बहुत है, 200 या 250 ग्राम 1 लीटर में, और मैं 250 ग्राम कम से कम
250 ग्राम से ज़्यादा है, मेरे डोर भी काफ़ी हैं, कम से कम 250 ग्राम डाल ले रहा हूँ। तो अपने हिसाब से, डोर के हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत डालना, बाद में पतला कर सकते हो। ये स्पिल्ड में डाल रहा हूँ, 250 ग्राम में 2 लीटर डाला हूँ क्योंकि मेरे डोर काफ़ी है। बाद में दोस्तों लाग दाना छानना जरूर है, छान के लगाना, और पतला बाद में भी कर सकते हो सिर्फ स्पिल्ड डाल के। तो फ्रेंड आओ, कलर देंगे आप पल्ले पर, हल्का से कलर देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, जो वुड फिलर लगाया उसको मैच ही करना है। तो ये बर्जल कंपनी का, मेरे पास एशियन का मिला नहीं इस टाइम, तो बर्जल से ही काम चला सकते हो। सिर्फ स्टैंडर्ड होना चाहिए, पाउडर वाला कभी भी मत यूज़ करना कलर। ये वार्नेट है, ये आधा, जैसे कि आधा लीटर की पैकिंग है ये, और ये स्पिल्ड घुल चुका है, मैं पहले भी बताया था, लागदाना घुल चुका है स्पिल्ड के साथ। इसको छान के लगाना है, ये कपड़ा ले लिया मैंने, इसको छानना है। इसको छान के लगाना है अच्छे तरीके से, जो कचरा है उस पर ना लगे, ये खराब करता है, उसको छान के लगाना जरूरी है। बाद में इसको काम में लेंगे और कलर देंगे, इस पर कलर डालेंगे। ये वार्नेट है ब्राउन कलर का, हल्के से डालेंगे बस। 300 ml ले लेना इसमें से। और ये कपड़ा, कोशिश करना कलर देते समय मलमल का कपड़ा यूज करना दोस्तों, ये कॉटन का कपड़ा है प्योर। ये दो कपड़ा हूँ, साथ साफ कर लेंगे साथ में, कहीं इधर उधर ना लगे। तो चलो कलर देते हैं, लगा दिया हूँ, कोई उधर ना जाए जोर पर। दो कपड़ा रखना साथ में, साफ हो जाए साथ में। जितना कलर लगाओगे उतना ही डार्क होता चला जाएगा ये। बिल्कुल अच्छे तरीके से कलर देना है, कलर के ऊपर ही है सब चीज। और सूखा सूखा कपड़ा जरूर मारना है इसका। बाद में पॉक्सी देंगे इसके ऊपर। कोशिश करना कपड़े से रेशा मत बनाना दोस्तों, कोई रेशा भी बना देगा, अगर रेशा बनाया कपड़ा को फेंक देना, ज़्यादा यूज मत करना इस पर। और मैं लकड़ी का ही रेशा निकालूंगा, कई कई पेंटर भाई रेशा बना देता है कपड़े से, वो मत बनाना कभी भी। तो फ्रेंड दो कपड़ा रखना साथ में कलर देते समय, एक हाथ से कलर लगाना, दूसरे हाथ से काल कलर को साफ करना है क्योंकि रेशा ना बन पाए कहीं भी, और इसका लकड़ी का रेशा निकले अच्छे तरीके से। जो साइड में लकड़ी सखुआ लकड़ी बोला जाता है बिहार में, और जो बीच में है ये सागवान, कच्ची लकड़ सागवान है ये। सागवान अलग डोर भी है पका हुआ, बहुत ही अच्छा रेशा है उसका। उसका भी सभी पल्ले का डोर का वीडियो बनाऊँगा एंड में फाइनल होने के बाद, लेकिन प्रोसेस देख लें, अगर ना ही हो तो सीख रहे हो अच्छे तरीके से। पहले कलर दे रहा हूँ टेप लगा के जोड़ पर, बिल्कुल बिल्कुल सही जोड़ पर, जहाँ लकड़ी का जोड़ जाता है वहाँ पर कलर चढ़ाएंगे, और दूसरे कपड़े से साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से, कहीं ज़्यादा कम बेसी ना लग जाए, बिल्कुल एक बराबर जैसा कलर लगे। ये सखुआ का लकड़ी बोला जाता है, ये बहुत पुराना लकड़ है क्योंकि मालिक जी को तमन्ना था पॉलिश ही कराना था। ये सागवान का डोर 3-4 तो अभी बना है,
जो पहले वाले डोर जिसमें रेसा ही नहीं दिख रहा था, तो बहुत पुराना डोर था, 12 साल बना हुआ हो गया। तो फ्रेंड तब तक कलर चढ़ाने का, कलर वीडियो जैसे दरवाजा में देख रहे हो कलर चढ़ा रहा हूँ, तब तक देखो कैसे चढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा सी वीडियो को तेज कर दूंगा थोड़ा सा, तब तक नेक्स्ट वीडियो में पॉक्सी लगाने का वीडियो बनाऊंगा। तब तक कलर देखते रहो कलर कैसे चढ़ाया जाता है लकड़ी पर। तो फ्रेंड अपॉक्सी अप्लाई करेंगे, अपॉक्सी वुड टच कंपनी का है और एशियन पेंट। इसका बनाने का तरीका बताता हूँ, 2-2 लीटर का होगा ये। ये अपॉक्सी इंसुलेटर 2 लीटर और इसका हार्डनर होगा, ये हार्डनर है, हार्डनर अपॉक्सी इंसुलेटर 2 लीटर। इसका बनाने का सेम तरीका है जैसे कि 1 लीटर बनाना चाहते हो आधा से लीटर बनेगा दोनों में से, अगर आधा लीटर बनाना चाहते हो तो 250-250 ग्राम दोनों में से। और इसको पतला करने के लिए पीवी थिनर पड़ेगा, ये लगाना बहुत जरूरी है। सील बंद हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी वाले ने पैक किया है इसको। तो फ्रेंड ये पॉक्सी है, ये मैं 200-250 ग्राम निकाले हूँ इसमें। ये हार्डनर कोशिश करना जितना पल्ला है उतना ही बनाना है आपको, ज्यादा मत बनाना नहीं तो खराब हो जाएगा ये। अब पतला करने के लिए पीवी थिनर पड़ेगा इसको। ये पीवी थिनर है, ये देखिए पीवी थिनर वो टच कंपनी का और एशियन पेंट पीवी थिनर पतला करने के लिए। कोशिश करना और थिनर मत इस्तेमाल करना है तो फट जाएगा। तो फ्रेंड ये 100 ग्राम थिनर डाल रहा हूँ, ज़्यादा पतला मत करना है, टेम्परेचर के साथ में बनाना पड़ता है एपॉक्सी। और ज़्यादा भी कोट इसका मत मारना है जैसे एक ही बारी। और जनरेटर पर अभी चालू कर रहा हूँ जनरेटर, क्योंकि लाइट का यहाँ सुविधा कम है थोड़ा सा, लेकिन मालिक ने मेरे को जनरेटर ला के दिया है। तो ये एपॉक्सी मैं डाल रहा हूँ स्प्रे गन में, और ये स्प्रे गन से ही ज़्यादा पॉलिश होगा दोस्तों इम्पोरियो।
ब्रश से बहुत ही नाक बराबर पॉलिश होगा, क्योंकि स्प्रे पॉलिश है ये, स्प्रे से ही होगा। तो फ्रेंड पहला कोट में स्प्रे गन से पॉक्सी इंसुलेटर अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लो मोशन में थोड़ा सा वीडियो कर दिया था मैंने, और बिल्कुल रफ्तार एक ही रफ्तार रखना है, और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं समझाते चला जाऊँगा। पहले पॉक्सी सभी दरवाजे पर अप्लाई करूँगा मैं, दरवाजे तो कई हैं, सागवान भी है और शीशम भी, डोर सागवान के 4 डोर हैं और शीशम का भी 5 डोर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे अप्लाई कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना ही हो तो। और जिस भाइयों को तो पॉक्सी इंसुलेटर बहुत ही लगाना ज़रूरी है, कई भाइयों को नॉलेज नहीं होता है पॉक्सी कैसे करें, तो बिल्कुल इजी तरीका है ये पॉक्सी करने का। इसका नस भी जल्दी भराई होगा, और सबसे ज़्यादा प्यू पॉलिश में सबसे ज़्यादा पकड़ ये इम्पोरियो का सबसे बेस्ट पॉलिश है ये। ये भी अंदर बाहर आता है, जैसे एक्सटीरियर इंटीरियर ले सकते हो पॉक्सी। मैंने ये दूसरा कोट यानी कि गिले गिले के दूसरा लेयर चढ़ा रहा हूँ इस तरफ, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मैं सभी पल्ले पर डाल रहा हूँ। ये सखुआ का लक्कड़ है ये साइड में, और जो बीच में कच्ची सागवान लक्कड़ है ये। वीडियो को तेज़ कर दिया हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती मेरी, पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो याद रखना दोस्तों, पॉक्सी लगाना बहुत ज़रूरी है अगर प्यू पॉलिश कर रहे हो कोई सा भी। तो चलो फटाफट इसको अप्लाई कर लेंगे सभी गेट पर। दोस्तों बहुत पुराना दरवाज़ा था ये, आपने हालत पहले भी देख चुके थे कितना बुरा हाल था। अब मैं पॉक्सी अप्लाई कर रहा हूँ, और इसका रेसा देखना दोस्तों कितना अच्छा निकल रहा है। बाद में इसका कलर कलर अभी और देंगे, वुड फ्लर भी भरेंगे जहाँ गड्ढे गुड्ढे हैं पॉक्सी के बाद में। पहले सूखने ही नहीं, कम से कम 1-2 घंटे के अंदर अंदर पूरा अच्छे तरीके से सूख जाएगा ये। और सभी पर ये हो चुका है हमारा पूरा अप्लाई, और सूखने के बाद रिजल्ट इसको वुड कलर भरेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड पॉक्सी सूख चुका है, बिल्कुल सूख चुका है। अब पहले देखना था कितना हालत बुरा था गेट का, तो अब पॉक्सी सूख चुका है, इसके ऊपर आप वुड फिलर भरेंगे फिर से, ये दोबारा से भरना है। अब तो पूरा कोने कोने तक भरे, जहाँ भी आपको दिखे, जहाँ भी आपको कमी लगे जरूर वुड फिलर भरना है। जैसे अभी मैं भर के बता रहा हूँ, अरे दोस्तों ये गेट का बहुत बुरा हाल था, ये ऐसा कुछ तो। फ्रेंड अच्छी तरीके सभी को भर लेना है, मैं थोड़ा सा वीडियो तेज कर दूंगा, कहीं भी गड्ढे मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि फाइनल कोट है ये, यानी कि डबल कोट मैं पॉक्सी कर रहा हूँ। तो इसके बाद अच्छी तरीके से सभी को रगड़ने से पहले सभी पर मैं दरवाजे पर लगा रहा हूँ साथ ही साथ ये डबल कोट, उसके बाद पॉक्सी करेंगे, रगड़ाई करेंगे। ये पहला कोट था पॉक्सी का, सूख चुका है इसके ऊपर, इसके बाद वुड फिलर भर रहा हूँ। जहाँ भी गड्ढे दिखे हैं वहाँ पर सबसे पहले वुड फिलर लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वुड फिलर करके उसके बाद कलर देंगे, रेगमा लगाना है 320 नंबर, अभी सभी को 320 नंबर का ही रगड़ेंगे पूरा दबा के अच्छे तरीके से। ये मैं सब पर वुड फिलर भर लेता हूँ फटाफट से। फ्रेंड पॉक्सी सूख चुका है और वुड फिलर भी लग चुका है अभी फिलहाल। तो दरवाज़ा देखने में पहले देखना था कितना बुरा हाल था इसका, और 320 के नंबर से रगड़ाई चल रहा है। ये 320 नंबर वाटर प्रूफ है और अच्छे तरीके से दबा के रगड़ेंगे, ये पॉक्सी के ऊपर है। और इसके बाद जो रगड़ाई हो जाए उसके बाद कलर देंगे, और फिर से डबल कोट अपॉक्सी अप्लाई करेंगे इस पर। तो चलो पहले रगड़ाई कर लेते सभी पल्ले को। फ्रेंड सभी पल्ले पर अभी रेगमा लग चुका है। ये पहला कोट पॉक्सी का था नीचे, दूसरा कोट पॉक्सी करने से पहले जहाँ भी कमी पेशा दिखे वुड फिलर लगा लिया मैंने सभी पर, और रेगमा सभी पर लगा कपड़े से साफ भी कर दिया, और फिर से कलर देंगे स्टनर। ये स्टनर है और टेप लगा दिया इसलिए जोड़ पर, कहीं ये जोड़ पर मटेरियल इधर ना आ जाए, ध्यान रख के कलर दें, ठीक है दोस्तों। अब बता रहा हूँ कलर कैसे दिया जाएगा। एक कपड़ा साफ रखना, साथ में साफ करते रहना, नहीं तो रेसा बन जाएगा कपड़े का। सभी पर कलर देंगे, ठीक है फ्रेंड।
सभी को दे लेना, नहीं इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सभी को कलर दे के तब उसके बाद पॉक्सी अप्लाई करेंगे इस पर, सभी को कलर जो वुड पिलर का है मैच कर लेंगे सभी को अभी, जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा भरे हैं वहाँ पर गड्ढे पर मैच कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद पॉक्सी इंसुलेटर अप्लाई करेंगे डबल कोट, डबल कोट भी उतना ज़्यादा मत मारना, नहीं तो बुलबुला बुलबुला सा बन जाएगा, अप डाउन ख़राब हो जाएगा पल्ला, हिसाब से बना बताऊँगा, लेकिन सभी पर कलर दे लें ऐसे। तो फ्रेंड सबसे पहले कलर हो चुका है सभी पल्ले पर, अभी देख लें सभी पर कलर चढ़ चुका है और डबल कोट अपॉक्सी अप्लाई होने लग गया। ये रहा अपॉक्सी, मैं बता दिया था कैसे बनाना था, सेम है, आधा लीटर निकालोगे, अगर एक लीटर की पैकिंग बनाना चाहते हो आधा आधा लीटर दोनों, सेम तरीका है। सीलर में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि उसका 2.36 ग्राम हार्डनर होता है, बाद में बताऊँगा, पहले अपॉक्सी अप्लाई डबल कोट कर लेते हैं। और कलर भी सब पर हो गया, ये सागवान है, कितने भी देख रहे हो शीशम है। तो फ्रेंड अब आप स्प्रे गन से पॉक्सी अप्लाई करते हैं, ये मैं छान रहा हूँ, कचरा उचरा ना हो इसलिए छान के लगा रहा हूँ, कोशिश करें छान के यूज़ करें पॉक्सी। ये डबल कोट पॉक्सी कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो तेज कर दूँगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो। ये डबल कोट पॉक्सी है, पहला कोट पॉक्सी में जब अप्लाई किया था कलर दे के अप्लाई किया था, उसके बाद वुड फिलर का फिर से जरूरत पड़ा, फिर से मैंने लगाया, अब कलर दे के उसके बाद ये डबल कोट अपॉक्सी, उसके बाद फिर से 320 नंबर रगड़ेंगे इसको सूखने के बाद, तो उसके बाद सूखने के बाद रगड़ के उसके बाद सीलर, ये डबल कोट मैं कर दिया हूँ। तो फ्रेंड डबल कोट हो चुका है और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था 5 घंटे के लिए, सूख चुका है पूरा अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर फिर से सेंड करेंगे और एक माल लगाएंगे, 320 नंबर और 400 नंबर ले सकते हो, ये 320 नंबर वाटरप्रूफ है और पूरे अच्छे तरीके से दबा कर रगड़ेंगे क्योंकि इसके बाद सीलर चढ़ाएंगे। डबल कोट हो चुका है हमारा पॉक्सी, अगर कहीं भी नुक्स दिखे, अगर कहीं भी थोड़े से हल्के से भी पुटीन लगाने का जरूरत पड़े जरूर लगाना, क्योंकि ये लास्ट कोट है पुटीन का, सीलर के अंदर अंदर जो लग जाए सही रहेगा। और ये मैं कटाई कर रहा हूँ पॉक्सी का ये, और इसके बाद रेगमा लगा के सभी पर अच्छे तरीके से कलर दे के वुड पर लगाएंगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे कि पॉक्सी सूख चुका है और इसके बाद आप रेगमा लगा के डबल कोट ये पॉक्सी हो गया है, जैसे कि अभी इधर लगा दिए और फिर से कहीं वुड फिलर का जरूरत पड़ता है फिर से मैंने लगा लिया था यहाँ पर, उसके बाद हल्के से कलर दे के उसके बाद सीलर कर देंगे। तो ये 320 नंबर है, 320 नंबर है, पूरा दबा के रगड़ रहे हैं फ्रेंड, सभी चीज़ सेट हो चुका है, डबल कोट पॉक्सी है। पॉक्सी के बाद ऊपर वुड पिलर भी लगाया था तो कलर मैंने मैच कर लिया, उसके वीडियो नहीं बनाया, मैच कर लेना ज़रूर। तो अब सीलर और सीरल अप्लाई करूँगा, सभी पहले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सभी, उस पर अब सीलर अप्लाई करूँगा सभी पर। और ये इम्पोरियो देख लीजिए, पैकिंग एशियन पेंट वुड टच इम्पोरियो, ये इसकी पैकिंग है, कैसे बनाना है मैं बता भी दूंगा। जैसे ये एक सीलर है, ये 2 लीटर से ज़्यादा सीलर है, 2 लीटर 64 ग्राम का है, 2 लीटर 64 ग्राम। ये इसका हार्डनर 3.36, 1 लीटर 36 ग्राम का है हार्डनर, और कैसे मिक्स करना है बता दूंगा। तो इसको पहले खोलेंगे दोनों को, ये इम्पोरियो सीलर है, बहुत ही बढ़िया सीलर है, एक्सटीरियल भी है और इंटीरियल भी आता है, तो दोनों बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है, पानी उनी में धूप में कहीं भी ख़राब नहीं होगा ये। उसके बाद ग्लॉस करेंगे, पहले सीलर अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, तो चलो सीलर खोलते हैं। तो फ्रेंड ये जैसे कि इम्पोरियो सीलर बनाएंगे इम्पोरियो पीयू, इसमें से निकालना कितना है मैं बता देता हूँ अभी, ये आधा लीटर का मेरे पास डब्बा है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊँगा क्योंकि एरिया मेरे पास काफ़ी है। और ये सीलर है इतना, और इसमें डालूँगा और अब हार्डनर बता दूँगा कितना डालेंगे, 1 लीटर से थोड़ा सा कम था मेरे पास, ये हार्डनर पीयू थिनर पतला करने के लिए, कम से कम 300-400 ग्राम पीयू थिनर पतला करने के लिए इसको।
मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे मैंने कपड़ा ले लिया हूँ और छान के लगाऊंगा, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कचरा ना आ जाए कहीं भी। कोशिश करें छान के लगाएं और स्प्रे गन में ज़रूर ढक्कन लिफाफा लगा लें, अच्छी तरीके से कहीं निकल ना जाए, ना तो ऊपर गेट के ऊपर गिर ना जाए, तो पूरा सावधानी से करें। और मैंने लिफाफा लगा लिया था ढक्कन में, कहीं लीक ना हो जाए। और ये मैं स्प्रे गन में चालू कर दिया हूँ और एक कोट इस तरफ से मार रहा हूँ और दूसरा कोट दूसरे साइड से मारूँगा। एक कोट मैंने इस तरफ लगा रहा हूँ अभी। सिलर कोट का एक ही कोट करें, अगर डबल कोट अपॉक्सी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सिलर का मैं एक ही कोट अप्लाई करूँगा और शाइनिंग देखना दोस्तों कितनी ज़बरदस्त है। लोग कहते हैं सिलर का नस भरा ही होना चाहिए, लेकिन गलत तरीका है। रेगमाल भी अच्छे तरीके से लगना चाहिए और अपॉक्सी भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगना चाहिए। सिलर का एक कोट और ग्लॉस का एक कोट मैं बिल्कुल आपको सामने ही मार के बताऊँगा दोस्तों, तो पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों, पूरा एंड तक देखना दोस्तों वीडियो, तभी आप घर पर भी कहीं भी पॉलिश कराना हो तो सही तरीके से करवा पाओगे। पूरा अच्छी तरीके से बारह प्रूफ है, पानी का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। धूप भी और गर्मी भी और मौसम कैसा भी हो, पूरा सेफ रहेगा ये पॉलिश। तो फ्रेंड सभी पर मैं सीलर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद रेगमा लगाएंगे 320 नंबर से 400 नंबर सूखने के बाद छोड़ दूंगा, 3 घंटे के लिए सूख जाएगा, 3 या 4 घंटे के लिए छोड़ दें इसको। तो मैं सीलर अप्लाई कर रहा हूँ, एक कोट मैं सीलर अप्लाई करूँगा और एक कोट ग्लॉस करूँगा, पूरी आईने की तरह मुँह दिखने लग जाएगा दोस्तों, पूरी हाई ग्लॉस सही से करें तब जाके पूरा अच्छा लगेगा। तो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि एक कोट दूसरा तरफ और एक कोट इस तरफ, दोनों मटेरियल पूरा बराबर चढ़ पाएगा। तो फ्रेंड सिलर भी हो चुका है और मैंने 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया था, अच्छे तरीके से सूख चुका है। और सभी पल्ले पर उधर भी देख लें, सभी पर सिलर अप्लाई कर दिया, इधर कितने 5-6 पल्ले हैं, इधर सागवान भी है और शीशम भी है, 2-3 शीशम भी है और नीचे भी काफ़ी पल्ले हैं, लेकिन एंड में बताऊँगा कैसे कैसे दरवाजे में मैंने पॉलिश किया था। सभी फाइनल हो चुका है और ये वाला देख लें, थोड़ा ही वुड पे लगाया था सिलर पर, अब कहीं भी नहीं लगे, अब सीधा ग्लॉस करूँगा। इसके ऊपर आप 320 नंबर या 400 नंबर ले सकते हो, इसके ऊपर सेंड करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद कपड़े जब साफ करके तो अच्छे तरीके से टेम्परेचर दे के, जहाँ मिट्टी ना हो तब ग्लॉस करें। और शाम को तो मैं तो बोलता हूँ मत ही करने, क्योंकि धूल मिट्टी मच्छर ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कमरे के अंदर करें और जहाँ मच्छर धूल मिट्टी ना हो। तो फ्रेंड 320 नंबर है और 400 नंबर भी ले सकते हो, और 320 नंबर तो उसके ऊपर लगाना है रेगमाल, ये लास्ट कोटिंग है। और एक कोट ही मैं ग्लॉस करूँगा, तो एक कोट मैंने सिलर अप्लाई किया था और डबल कोट सिर्फ अपॉक्सी, क्योंकि इसकी नस भराई अच्छे तरीके से हो जाए, कहीं छूटे ना, क्योंकि प्यू पॉलिश में हमेशा अपॉक्सी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सटीरियर इंटीरियर भी आता है अपॉक्सी, लेकिन मैं तब बेटर करूँगा एक्सटीरियर यूज़ करें, क्योंकि अंदर का हो बाहर का भी हो एक्सटीरियर दोनों चल जाता है, लेकिन इंटीरियर नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अंदर का यूज़ कर रहे हो बाहर नहीं चल सकता, अगर बाहर यूज़ कर रहे हो अंदर भी चल जाएगा और बाहर भी चल जाएगा, दोनों तरफ चल जाएगा। मैं तो ज़्यादा मेहनत करूँगा एक्सटीरियर यूज़ करें बाहर का। तो फ्रेंड ऐसे बिल्कुल लगाना है, देखें बिल्कुल स्मूथिंग हो गया फिनिश इसका। इसके ऊपर आप ग्लॉस करेंगे पूरा ध्यान से और नीचे पानी का छिड़का लगा लूँ कि कहीं धूल मिट्टी ना हो। ग्लॉस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है सभी पर, तो सभी पर फटाफट से लगा लेते हैं सभी पर, उसके बाद ग्लॉस करेंगे, बनाऊंगा कैसे ग्लॉस वो भी बता दूंगा दोस्तों। तो फ्रेंड ये है ग्लॉस, इसका रेट हमेशा ज़्यादा होता है ग्लॉस का, GL ग्लॉस हमेशा शॉर्टकट इम्पोरियो GL ग्लॉस शॉर्टकट फॉर्म होगा, मतलब GL और SL का सिलर और GL ग्लॉस। जैसे कि ये डब्बा मैं पैकिंग निकाल लिया हूँ डब्बे से, ये 2 लीटर का है और 2 लीटर इसका सेम हार्डनर है, जैसे 1 लीटर बनाना है इसमें से, 1 लीटर इसमें से निकालना है और 1 लीटर हार्डनर निकालना है। जैसे 0.5 लीटर की पैकिंग बनाना है, मतलब 250 ग्राम और 250 ग्राम, बिल्कुल इजी तरीका है। और 300 ग्राम थिनर डालना है, 200 या 300 ग्राम, एक इसमें से हार्डनर और बेस दोनों निकालूंगा। ये
क्लियर है, मतलब लास्ट कोट फाइनल है, ये ग्लॉस है, हाई ग्लॉस पूरा। देखिए फ्रेंड ये एक्सटीरियर है, बाहर का धूप वाटरप्रूफ पूरा है, और इसको चलो छान के लगाएंगे, बाद में पहले मिक्स कर लेंगे। ये पीयू थिनर है, ये पतला करने के लिए पीयू थिनर पड़ेगा इसमें, ये पीयू थिनर वुड टच कंपनी का, और कोशिश करें एक ही कंपनी यूज़ करें, जैसे एशियन पेंट का है, सभी चीज़ मैंने एशियन पेंट का ही प्रोडक्ट यूज़ किया हूँ। तो चलो बनाते हैं। ये फ्रंट ग्लॉस है, और 1 लीटर की मैं पैकिंग बनाऊंगा, जैसे कि आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ, और हार्डनर थोड़ा सा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी आधा लीटर हार्डनर, आधा लीटर बेस, मतलब क्लियर ग्लॉस। ये हार्डनर है इसका सेम उतना ही, और दोनों मिक्स कर लेंगे। तो ये पीयू थिनर है पतला करने के लिए, इसमें से निकालेंगे 300 ग्राम, 300 ग्राम थिनर ले लिया मैंने, और मिक्स करेंगे दोनों। तो फ्रेंड स्प्रे गन से अप्लाई कर देंगे ग्लॉस, और पूरा सावधानी से मैंने नीचे पानी का छिट्टा लगा लिया था, कहीं धूल मिट्टी ना उड़ जाए, और ध्यान रखना अगर छत पर कहीं भी कर रहे हो मक्खी मुक्खी का कुछ, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो चिपक जाएगा, बहुत ही बुरा लगेगा, तो कृपया करके पूरा ध्यान दें ग्लॉस पर। फ्रेंड ध्यान रखना है कैसे ग्लॉस कर रहा हूँ, जैसे एक तरफ से लेके मैं वहीं से एक तरफ चलाते आ रहा हूँ कान, और दूसरी तरफ देखना दोस्तों कैसे चलाऊँगा, ध्यान रखना ग्लॉस में, खास करके सबसे मैटर करता है ग्लॉस में। तो थोड़ा सा वीडियो में तेज, और देखिए दोस्तों दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसे मारना है, और वीडियो को मैं थोड़ा सा तेज कर दिया था, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं था, और ये मैं थोड़ा सा स्लो मोशन कर दिया वीडियो, ध्यान रखना। और बिल्कुल इजी तरीका है ग्लॉस करने का, स्प्रे गन से ही होगा दोस्तों ये पॉलिश, कहीं भी करा सकते हो, और हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पूरी जेन्युइन तरीके से हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज देते हैं जो प्रोसेस है पॉलिश का। तो फ्रेंड अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाजू में ज़रूर बेल आइकन को भी दबा दें, सबसे पहले जब भी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो लाइक ज़रूरी है फ्रेंड, इतनी मेहनत करके आप तक वीडियो पहुँचाते, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूरी है हमारे लिए, प्लीज़ लाइक करके रखना दोस्तों। तो फ्रेंड ये जैसे मैं पॉलिश कर रहा हूँ अभी, ये इतना ज़्यादा पुराना डोर था, और इसकी शाइनिंग देख दो फ्रेंड कितना है उसकी, इतनी ही सूखने के बाद इतना ही रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है रियल में, तो मत ही पूछना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है इसकी पॉलिश की। तो बहुत ही अच्छा पॉलिश है ये, कहीं भी करवा सकते हो, और सही तरीके से कराएं, अगर किसी से भी करवा रहे हो प्रोसेस पूरा अच्छे तरीके से कराएं, क्योंकि महंगा है पॉलिश काफ़ी है। तो फ्रेंड तब तक पूरी वीडियो आगे तक देखते रहना फ्रेंड, तब तक मैं यहीं तक मैं समाप्ति करता हूं, लेकिन मैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। सभी में फ्रेंड ग्लॉस ही कर रहा हूं, जब तक देखते रहना दोस्तों कैसे ग्लॉस किया जाता है, एंड में पूरा वीडियो में बना चुका हूँ इसका फाइनल का, तो एंड में देख सकते हैं।